सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो बस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे गाइस आप लोग अपने इंस्टाग्राम के रील्स एंड पोस्ट को जो आप एकदम HD क्वालिटी में पोस्ट कर पाओगे। जिससे कि मतलब कि आजकल क्या होता है कि मतलब हम लोग जब भी अपने इंस्टाग्राम में कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उससे क्या है कि काफ़ी लोगों की जो मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जब वो पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी या रील या फोटोज़ तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो मतलब पहले के मुकाबले अपलोड नहीं हो रही, मतलब कि एकदम डाउन हो जा रही है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है मैं जो कि इंस्टाग्राम के मतलब जो इंस्टाग्राम ने कह रखा अपनी तरफ से कि मतलब हम जो पोस्ट वगैरह होगी उसका जो क्वालिटी है वो हम कम क्यों कर देते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, तो ये जो है मतलब कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ये कहता है कि अगर आप कोई भी फोटोज अपलोड करते हो तो उसको जो है वो कंप्रेस ऑटोमेटिकली कर देता है एंड उससे जो आपकी क्वालिटी लो करके आप वो फोटो को जो है मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी मतलब कि इंस्टाग्राम ये चाहता है कि अगर उनके कोई भी यूज़र्स अगर वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो जो यूज़र है वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो मतलब इंस्टाग्राम को यूज़ कर काफ़ी देर तक यूज़ करें इंस्टाग्राम को। इससे क्या है कि वो उसको जो है मतलब कि इंस्टाग्राम को जो इस चीज़ से प्रॉफिट होता है थोड़ा, मतलब कि जो मतलब अगर यूज़र उनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर रुकेगा तो सबको ही पता है कि इस चीज़ से कि उनका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो क्या करते हैं कि वो जो पोस्ट वगैरह जो है उनको अपलोड करते हैं तो उसको जो कंप्रेस करके कम MB का कर देते हैं जिससे कि वो पोस्ट जो है मतलब कि इतनी हाई क्वालिटी में नहीं दिखती है। मतलब कि अगर फोटो कंप्रेस कर देंगे वो कम क्वालिटी में तो फोटो जो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे कि आप लोग अपनी फोटोज़ और रील्स की जो क्वालिटी को है वो मतलब कि अच्छी ठीक ठाक में मतलब अपलोड कर पाओगे। मतलब कि कोई भी अगर उसको देखेगा तो कोई यही बोलेगा कि यार क्या ये अपलोड किया है इसने, है ना, मतलब अच्छी दिखेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ट्रिक्स होंगी। और गाइस मैं एक चीज़ पहले बोलना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जो भी मैं ट्रिक्स पहले आपको बताऊंगा तो उनको पहले आप अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई करना अपने उस पर प्रैक्टिकली, ठीक है। जब उसको आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मतलब कि सच में वर्क कर रही है तब आके एक नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक प्यार से कमेंट करना ताकि कोई भी अगर नया यूज़र आएगा मेरी इस वीडियो पर तो गाइस उसको मतलब कि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं आप सभी को जो सेटिंग्स बताऊंगा उससे पहले गाइस मैं आप सभी से एक चीज़ मैं मतलब पहले ही कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम को डाटा सेविंग मोड पे कर रखा है तो पहले आप उसको ऑफ कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आपको उसको ऑफ करना है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इससे अगर आप उसको ऑफ रखोगे और अगर आप कुछ भी अपने मतलब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे तो वो जो है कम क्वालिटी में ही अपलोड होगा, यानी कि ये इंस्टाग्राम जो पहले मतलब कंप्रेस करता है फोटोज़ को उसको और भी ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। यानी कि आपने अगर डाटा सेविंग मोड कर रखा है तो इंस्टाग्राम को ये मालूम है कि आप लोग आप मतलब अपना डाटा बचाना चाहते हो, इसलिए आपने इसको मतलब ऑफ कर रखा ऑन कर रखा है। एंड इसके वजह से जब आप फोटोज़ को पोस्ट कर रहे हो तो वो भी आप चाहते होंगे कि वो कम MB में अपलोड हो, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो वही मैं बता दूंगा। और गाइस आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, मतलब पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट कैसा HD क्वालिटी में अपलोड करोगे। तो मैं ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो मतलब ये पोस्ट जो है हम तो ये सब सेटिंग तो हम अपनी एडिटिंग करते वक्त भी कर सकते थे, बट गाइस एडिटिंग करते वक्त आप मतलब नहीं कर सकते ये सब। अगर आप कर भी लोगे तो भी आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम में आके ये सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस क्या हुआ कि वो जो आपने एडिटिंग वगैरह जो पहले कर रखी है वो मतलब कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म से किए, यानी कि इंस्टाग्राम से नहीं किए। तो मतलब कि अगर आप इंस्टाग्राम पर वो चीज़ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से इंस्टाग्राम से वो सेटिंग्स वगैरह चेंज करी तो मतलब यहाँ से ये हुआ कि वो जो जितना आप कंप्रेस करना चाहते हो ना, मतलब वो इंस्टाग्राम जो को उस एडिटिंग के थ्रू मतलब कि जितना वो कंप्रेस करना चाहता है उस एडिटिंग के हिसाब से वो कंप्रेस करेगा, और जब वो वहाँ से कंप्रेस करेगा तो गाइस मतलब कि आपकी जो फोटोज़ हैं वो इतनी कम क्वालिटी में अपलोड नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या सेटिंग छेड़नी है। तो आइए बताता हूँ आप सभी को सीधा स्क्रीन पे। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका मतलब जो भी आईडी है आपकी वगैरह, फिर इसके बाद आपको पोस्ट वाले सेक्शन में जाना, आप लोगों को यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले मैं आपकी क्वालिटी दिखा देता हूँ अपनी फोटो की, देखिए यहाँ पे क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको इसको इसी क्वालिटी में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली वो ब्लू वाला जो आइकन दिख रहा है ऊपर राइट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड ये जो गाइस आपको नीचे फिल्टर्स वगैरह दिख जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से एडिट करते हैं, यहाँ के फिल्टर तो हम यूज़ करेंगे नहीं। तो आपको यहाँ पर साइड में जो नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर करके जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको क्लिक करना है। इसको जो आपको 20 तक इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं कोई आपको एडिटिंग नहीं करना है कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बस आपको बेसिक सी सेटिंग्स बता रहा हूँ जो कि गाइस आपको वापस से मिल जाएगी आपकी फोटो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लास्ट में एक शार्पनेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको 10% बढ़ा लेना है, ठीक है। बस आपको ये दो सेटिंग छेड़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। फिर आपको वापस से आगे की तरफ बढ़ना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्शन वगैरह जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो यहाँ पे, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कैप्शन
वगैरह नहीं डालूंगा, मैं इसको डायरेक्ट पोस्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इंगेजमेंट बनती है मेरी फोटो की। यहाँ पे आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो, यहाँ मैंने अपलोड कर दिए। अब गाइस इसकी क्वालिटी देखो गाइस, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और इसकी अब की क्वालिटी देखो, दोनों मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब कि एकदम अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो गई है। मैंने एक बार लास्ट टाइम इस फोटो को अपलोड किया था, मैं आपको उसकी क्वालिटी दिखाता हूँ गाइस। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, और जो ये वाली फोटो है हमारी जो मैंने अभी पोस्ट करी, अब इसकी क्वालिटी देखो कितना आसमान जमीन का फर्क है ना। सुपर जी, थे हमारी ये पोस्ट को आप कैसे एचडी क्वालिटी में अपलोड करोगे, तो ये आप इसको एक बार अप्लाई करके देखना अपनी फोटोज़ में कि ये वर्क कर रही कि नहीं कर रही। वैसे ही मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया है कि मतलब कि एकदम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ना। मैंने आपको ये भी दिखाई कि मैंने जो पहले एक बार अपनी फोटो को पोस्ट कर रखा था, तो उसमें मतलब मैंने आपको उसकी क्वालिटी और जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया उसकी क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है ना, कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देख ही गया होगा। और अगर नहीं भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार अपनी फोटो पर अप्लाई करके देखना, आपको मतलब कि एकदम अच्छा लगेगा। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक बार अप्लाई करके देखना। बाकी अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि गाइस आप लोगों को जो अपना इंस्टाग्राम जो रील है, तो आपके रील का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है एंड ये चाहते हैं सभी कि मतलब ये जो अपलोड हो एकदम हाई क्वालिटी में अपलोड हो, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अपलोड करनी है। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब ये पहले देखिए, इसमें मैं दो सेटिंग्स बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। एक जिससे कि आप अपनी वीडियोस को एडिट करते हो, जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो वो, एंड दूसरी चीज़ आपको इंस्टाग्राम की कुछ सेटिंग्स जिससे कि मतलब आप एचडी क्वालिटी में से अपलोड कर पाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप सभी को ना यहाँ पे एक सेटिंग करनी है, मतलब जो कि आपको ये पे भी सभी को, ठीक है, जरूरी है। तो आपको पहले थ्री लाइंस पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट्स करके एक लिखेगा आपको सिंपली, एंड नीचे आप सभी को यहाँ पे ना एक कैलोर डाटा में तो गाइस इसमें आप जैसे ही जाओगे तो गाइस यहाँ पे जो है डाटा सेवर ही मैंने गलती से ऑन कर दिया था गाइस, ठीक है, वीडियो के टाइम में, मतलब मेरे को ध्यान नहीं रहा मेरा इसका, तो आपको इसको ऑफ रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हाई क्वालिटी मीडिया अपलोड है इसको ऑन रखना है आपको बस, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो कैलूर वाईफाई है, जो इन दोनों के ऊपर जो ये दोनों लिखा हुआ आपको इस पे ऊपर टिक करके रखना है, ठीक है, बस इतना करके रखना है आप सभी को। एंड बाकी जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो मैं आप सभी को बताता हूँ कि उसमें क्या करना है आप सभी को। सो गाइस जब आप अपनी VN एप्लीकेशन के यहाँ पे ऑन कर लोगे तो उसमें आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सभी को फ्री का करना है, यहाँ पे आपको जो है एक्सपोर्ट सेटिंग दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको 1080 एंड 2K 2.7K के बीच में रखना है, ठीक है। 4K में नहीं रखना है क्योंकि 4K जो है सपोर्ट नहीं करता है इंस्टाग्राम में, तो आपको इसको 2.7K पे रखना है। एंड नीचे जो इसको जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, आपको इसको सिंपली हाई के ऊपर रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई पे रखना। एंड बाकी उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो प्रीव्यू परफॉर्मेंस दिख रहा है जो इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपको इसको सिंपली यहाँ पे 1600 के ऊपर करके रखना है, ठीक है, यहाँ पे 1600 के ऊपर करके रखना है। एंड उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको इसको बस 90 के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है, इसमें कोई छेड़ना नहीं आपसे कुछ भी, बस इतना करना है आप सभी को। एंड उसके बाद जो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, जो भी आपकी वीडियो होगी, ठीक है, जैसे कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको यही सेटिंग्स करनी है और बाकी जब आप अपलोड करोगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको करके देखना। आज की एक थी हमारी कुछ टिप जो कि मैंने आप सभी को बताई, एंड इसको आप लोग ना पहले जो मैंने सेटिंग्स बताई आप उसको एक बार अप्लाई करके देखना, एंड उसके बाद फिर आप उसको पोस्ट करके देखना कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जो मैंने बताया एकदम अच्छे मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया करके, और ये मैं खुद भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको यूज करना। एंड जो पोस्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, मुझे पता है कि इसमें से कहीं ना कहीं मेरे को ये कमेंट किया कि भाई आपने पहले ऐसे क्यों नहीं पोस्ट किया जब आपको जब पता था, तो मैं पहले बता देता हूँ आप सभी को, मेरे को पहले ये चीज सेटिंग नहीं पता थी। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, मैंने इसको अप्लाई किया पहले, ठीक है, ढूंढा मैंने मतलब कि कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, तो आपसे मैं भी ऐसे अपलोड करूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लेना, आपको सभी पोस्ट मेरी वहाँ पे दिख जाएंगी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए गाइस मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।